हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 10 फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.3 केसी सिन्हा का स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के बाद का जो टॉपिक था, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का थ्योरेटिकल चीज पार्ट जो था हम लोग कंप्लीट हुआ था, और एक्सरसाइज भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें पहला नंबर हो गया था जो क्वेश्चन फर्स्ट बताए थे। उसी प्रकार सिमिलर क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आप खुद से उसी प्रकार से जैसा आप क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे, आप 2 भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बताया गया, जब पिछला वीडियो में एक एग्जाम्पल दिए थे उसी प्रकार से यह है। तो बोलता है एफ कोई फंक्शन है जो कहाँ से है, रियल टू रियल है, और डिफाइंड बोलता है किया हुआ है कि एफ एक्स बराबर है 3x+2। अब बोलता है सो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। दो क्वेश्चन इसमें बोलता है एफ इज इन्वर्टिबल, मतलब उफ इन्वर्टिबल है मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब वह दिया गया फंक्शन क्या हो, वन वन और ऑन टू दोनों हो, तब देन बोलता है एंड फाइंड एफ इन्वर्स जो रियल से रियल है। वो दो क्वेश्चन इसमें है कि क्या बोला है कि सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड एफ इन्वर्स जो कहाँ से कहाँ है, रियल टू रियल। अब हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्यों क्या दिखाना है कि वह एफ जो है इन्वर्टिबल है या नहीं। अब उस इन्वर्टिबल के लिए सबसे पहले क्या चेक करना होगा, वो फंक्शन वन वन और वन टू है या नहीं, मतलब वह फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। यदि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तब उस फंक्शन का क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं वन वन। गिवेन दैट एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल एंड एफ एक्स दिया हुआ है 3x+2, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, पहला वन वन, तो लेट करते हैं एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर, मतलब किसमें, डोमेन, तो पुट कर देंगे एफ एक्स वन बराबर क्या चीज़, एफ एक्स टू, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3x1+2=3x2+2, टू टू विल कैंसल, हो जाएगा 3x1=3x2, थ्री थ्री विल कैंसल, तो हो जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू, तो देयर फोर क्या हो जाएगा एफ इज वन वन। एफ मेरा क्या हो गया वन वन। अब फोर हम लोग क्या करते हैं ऑन टू, तो हम लोग ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते थे, ये हम लोग के लिए लेट करते थे कोई एक एलिमेंट जो वाई है बिलोंग करता है, कोई एक एलिमेंट क्या है वाई कहाँ बिलोंग करता है, तो कोडोमेन में लेट कर लेते हैं वाई बिलोंग टू रियल नंबर जो कहाँ है वह कोडोमेन में, किसमें, कोडोमेन में, तो पुट कर दीजिए वाई बराबर क्या चीज़ एफ एक्स, तो वाई बराबर एफ एक्स, तो वाई बराबर एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो 3x+2। अब 3x+2 है जहाँ से किसका वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, एक्स का वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 3x=y-2, देयर फोर हो जाएगा y-2/3, ये एक्स का वैल्यू निकल के आ गया वाई के टर्म में, वाई एक्स बराबर हो गया y-2/3। अब इसको चेक करने लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं कि वाई जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन में, और कोडोमेन मेरा क्या है, रियल नंबर है। कोई रियल नंबर से कोई भी नंबर यदि हम वाई के जहाँ पे पुट करें और इसको सॉल्व करें, तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो क्या रियल आएगा या नहीं आएगा, मतलब एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, तो डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, तो डोमेन मतलब मेरा क्या है, रियल नंबर है, तो क्या एक्स जो है
यदि उसको y का डिफरेंट वैल्यू पूछने पर क्या x जो है डोमेन में आता है, रियल में आता है? हाँ आएगा। तो लिख सकते हैं फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन y, तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू किस में, तो डोमेन। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू, f क्या होगा ऑन टू होगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं रेंज ऑफ f बराबर हो जाएगा क्या चीज, को डोमेन ऑफ f, दोनों बराबर होगा, f इज वन टू। तो देयरफॉर क्या होगा, f इज बाइजेक्टिव। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f हेंस f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप तो इसको बोल सकते हैं हेंस f इज इन्वर्टिबल, पहला वही शो करना था ना, हेंस f इज इन्वर्टिबल। तो पहला जो पार्ट हम लोग को प्रूव करना था कि वह इन्वर्टिबल है, वो हम लोग को शो कर दिया। अब दूसरा क्या बोलता है, हम लोग को फाइंड करना है क्या चीज, f इनवर्स। अब बताइए f इनवर्स का हम लोग को क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए तो हम लोग को तरीका था, नौ क्या करते थे, एफ एक्स बराबर वाई पुट करते थे, नौ एफ एक्स बराबर वाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स वाई। तो देयरफॉर हो जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू, ये x का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाल के रखे हैं, y माइनस टू बाई थ्री, तो f इनवर्स y निकल के आ गया है। तो देयरफॉर क्या करना है, पुटिंग x इन प्लेस ऑफ y, तो देयरफॉर हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस टू बाई थ्री। ये हम लोग को क्या निकल के आ गया, इनवर्स का वैल्यू निकल के आ गया, f इनवर्स के बराबर कितना होगा, x माइनस टू बाय थ्री। तो इस तरह से आप जो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सेम टाइप का, आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसी प्रकार जो क्वेश्चन इसी का जो है फोर नंबर, आप खुद से उसी प्रकार कर लीजिएगा। यहाँ पे जो एफ एक्स बराबर दिया था यह थ्री एक्स प्लस टू है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया है टू एक्स प्लस सेवन, तो यहाँ बोल दिया है प्रूव करो f इज बाइजेक्टिव, मतलब बाइजेक्टिव होगा तभी वह इन्वर्टिबल होगा, बाइजेक्टिव ना बोलकर ये बोलता है इन्वर्टिबल, तो दोनों सेम चीज़ है, एक ही चीज़ क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव भी बोलता है कि लेट r बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, r कोई क्या है रियल नंबर का सेट है, तो शो करना है क्या, f रियल टू रियल डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर दे दिया थ्री एक्स प्लस वन बाय टू, यहाँ पे एफ एक्स बराबर था टू थ्री एक्स प्लस टू है, अबर बोल दिया थ्री एक्स प्लस वन बाय टू, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी दे हम लोग क्या करेंगे उसको वन वन और वन टू शो करेंगे और उसका इन्वर्स निकाल देंगे। तो दो तीन क्वेश्चन जो बोले आप जो खुद से सिमिलर टाइप में इसी प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिएगा, किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं होगा, सेम क्वेश्चन दिया गया है, सेम क्वेश्चन समझिए उसमें उतारा गया है। तो इस टाइप का दो क्वेश्चन हो गया, एक अभी बताएं सो, और इसी से रिलेटेड एक सिमिलर क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए थे जब इसी का जो पिछला वीडियो में हम लोग बताए थे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, वह भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसको हिंट कर देते हैं। बोलता है एफ पॉजिटिव रियल टू क्या है, पॉजिटिव रियल, आर प्लस होता पॉजिटिव रियल डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है मेरा e का पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल वेयर r पॉजिटिव बोलता है डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ f इफ इट एग्जिस्ट। तो हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है यदि इसका इनवर्स क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो। सबसे पहले इनवर्स का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या चेक करना होगा, ये फंक्शन मेरा वन वन है वन टू है या नहीं। चलिए पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका, हो जाएगा गिवेन दैट f दिया गया है किससे, रियल टू रियल, और एफ एक्स मेरा दिया गया है कितना, e का पावर x, अब फोर वन वन, फोर क्या चाहिए वन वन, तो लेट कर लीजिए x1 x2 बिलोंग्स टू किस में, रियल नंबर, मतलब किस में, डोमेन,
पुट कर देते हैं एफ एक्स वन बराबर क्या चीज़ एफ एक्स टू, तो हो जाएगा e का पावर x1 बराबर हो जाएगा e का पावर x2, दोनों तरफ यदि log ले लें तो e का पावर log e विथ बेस e का पावर x1, तो अगर log e का पावर x2 विथ बेस e तो वह कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा x1 log e विथ बेस e इज इक्वल टू x2 log e विथ बेस e। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो हो जाएगा मेरा x1 बराबर x2, तो देयरफोर क्या हो जाएगा f इज वन वन, f मेरा क्या हो गया वन वन। अब दूसरा हम लोग को क्या शो करना है, दिखाना है कि f मेरा ऑन टू है या नहीं। तो अब बताइए ऑन टू के लिए हम लोग को सिंपल क्या चेक करना होगा कि वो मेरा ऑन टू के जैसे लेते थे, मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट y जो है क्या है, लेट y बिलोंग्स टू किस में, तो कोडोमेन, y belongs to codomain, let y belongs to 4 on 2, let y belongs to किस में, यहाँ लिख दीजिए रियल पॉजिटिव रियल, मतलब क्या चीज़ वह कोडोमेन की बात कर रहे हैं, तो let fx बराबर i वा, तो y बराबर fx, तो y मेरा कितना है e का पावर x log ले लीजिए, तो log y बराबर हो जाएगा log with e का पावर x with बेस e, तो therefore हो जाएगा x is equal to log y। अब बताइए कि y जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रियल में जो कोडोमेन में है, तो y यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, y यहाँ पर हम लोग कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, तो क्या x मेरा डिफाइंड होगा नहीं, मतलब x का वैल्यू निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा, क्योंकि हम लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं कि यहाँ जो भी होगा क्या होगा वह पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देख लें y बोल दिया है को कैस में बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रियल में बिलोंग कर रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा वह मेरा ऑन टू होगा। या तो इसमें देख सकते हैं कि रेंज, रेंज इस फंक्शन का रेंज और कोडोमेन दोनों क्या इक्वल है, क्योंकि रेंज भी मेरा पॉजिटिव रियल है और जो है कोडोमेन भी मेरा क्या है पॉजिटिव रियल है, तो इस तरह से भी देख सकते हैं हम लोग, मतलब इसको लिख सकते हैं फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन वाई, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन वाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू किस में, तो कोडोमेन, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एफ इज ऑन टू, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हेंस एफ इज एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग क्या निकालना है एफ इनवर्स निकालना है। नाउ अब लेट कर लेते हैं वाई बराबर एफ एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना वाई बराबर एफ एक्स, तो हो जाएगा यहाँ से x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y, और x का वैल्यू कितना है log y, तो देयरफॉर हो जाएगा यहाँ से f इनवर्स y बराबर x का वैल्यू कितना है log y, तो पुट कर दीजिए पुटिंग x इन प्लेस ऑफ y, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा log x। यही हम लोग को क्या निकालना था, इन्वर्स निकालना था, जो हम लोगों ने क्या किया इन्वर्स हम लोग निकाल लिए। अब देखिए उसी प्रकार जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 तो हम हिंट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एक कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, बी कोई सेट है उसमें दिया गया एलिमेंट 2, 4, 6, 8, और फंक्शन डिफाइंड किया गया है सेट ए टू सेट बी और दिया गया एफ एक्स बराबर 2x, देन राइट द एफ इनवर्स, तो हम लोग को क्या निकालना है एफ इनवर्स। तो सारा क्वेश्चन इसमें जितना दिया गया सब एक जैसा है, पहले इसको नोट कर लीजिए उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं उधर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 भी क्वेश्चन उसी प्रकार सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो दिया गया है फंक्शन बोलता है एफ विद अ फंक्शन है 0 to infinity, से कहाँ है वो है 2 to infinity,
अब देखिए जीरो से इन्फिनिटी है, टू से इन्फिनिटी है, अब देख सकते हैं इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा है, ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा किस में है, तो ऑब्वियसली इसमें है, क्योंकि इसमें जीरो भी है वन भी है। और इसमें कहाँ शुरू है, टू से शुरू है, जीरो वन टू यहाँ टू से शुरू है। अब बताइए, बोलता है एफ एक्स बराबर दिया गया है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस टू, और बोलता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तो देन फाइंड एफ इनवर्स। तो क्या निकालना है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, फटाफट हम लोग जो है इसको चेक करते हैं। गिवन है जीरो टू इन्फिनिटी, ये कहाँ है टू टू इन्फिनिटी, और एफ एक्स दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस टू। यदि हम लोग वन वन ले लें तो लेट कर लेते हैं एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू किसमें, तो डोमेन, तो अगर जीरो से इन्फिनिटी तो पुट कर दीजिए एफ एक्स वन बराबर क्या चीज़ एफ एक्स टू, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर प्लस टू, टू टू विल कैंसल, तो हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, देयर फोर क्या हो जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो देयर फोर हो जाएगा एफ इज क्या चीज़ वन वन, एफ मेरा कैसा फंक्शन हो गया वन वन, फोर ऑन टू। ऑन टू के लिए आप देख सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन दोनों का बराबर है, कैसे, क्योंकि इस फंक्शन का जो रेंज है, इस फंक्शन का जो रेंज है वो कितना है टू से इन्फिनिटी है। यदि इस फंक्शन का कोडोमेन बोले वो भी क्या है टू से इन्फिनिटी, तो बोल सकते हैं मेरा क्या है रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एफ इज ऑन टू भी हो जाएगा, जब रेंज एंड कोडोमेन दोनों क्या है इक्वल है, तो दोनों क्या होता है जब ऐसा कंडीशन होता है तो वह ऑन टू भी होता है, तो फोर ऑन टू के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं, या तो फिर लेट कर लीजिए y बिलोंग्स टू किसमें, तो कोडोमेन टू से इन्फिनिटी कोडोमेन, और पुट कर दीजिए y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स है, तो y बराबर हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस टू, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर टू वाई माइनस टू, वाई माइनस टू। अब बताइए क्या y जो कहाँ बिलोंग कर रहा है टू से इन्फिनिटी में, वो जो जो भी एलिमेंट लेंगे यहाँ पर y जहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या x मेरा जो है रियल आएगा नहीं, मतलब रियल जो है कोड जो इसका जो डोमेन है जीरो से इन्फिनिटी में बिलोंग करे या नहीं करे, जरूर करेगा। यदि y बराबर टू भी ले ले, टू माइनस टू क्या होगा जीरो, मतलब x बराबर जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो है, मतलब क्या होगा फोर। एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई कहाँ बिलोंग किया है जो कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू कहाँ तो डोमेन, तो देयर फोर हो जाएगा एफ इज कैसा फंक्शन तो ऑन टू फंक्शन, तो देयर हेंस बोल सकते हैं एफ इज इन्वर्टिबल, एफ मेरा कैसा फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो हम इन्वर्स निकालिए, तो नाउ इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, तो लेट करते हैं क्या चीज वाई बराबर एफ एक्स, तो वाई बराबर एफ एक्स यहाँ से हो जाएगा, देयर फोर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई, और एक्स बराबर यहाँ पे एफ इन्वर्स वाई का मतलब एफ इन्वर्स हो जाएगा वाई बराबर है एक्स, और एक्स का वैल्यू निकाल के रखे हैं कितना वाई माइनस टू, तो जगह एफ इन्वर्स वाई बराबर क्या हो गया रूट अंडर वाई माइनस टू, पुट कर दीजिए पुटिंग एक्स इन प्लेस ऑफ वाई, तो जाएगा देयर फोर एफ इन्वर्स एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस टू, यही तो हम लोग को क्या हो गया आंसर आ गया, तो हम लोग का इन्वर्स क्या किया है निकल चुका है। अब देखिए जो क्वेश्चन जो बोला है क्वेश्चन नंबर एट, वो कोई जो है सेट डिफाइंड किया गया है ए टू बी, उसको डिफाइन ऐसा किया गया है सेट ए में जो है एलिमेंट है वन टू थ्री फोर,
बी एक सेट है जिसमें है 2, 4, 6, 8, तो एफ एक्स बराबर बोलता है 2x, एफ एक्स बराबर है 2x है, तो हम लोग को बोलता है कि एफ का ऑर्डर पेयर में उसका इन्वर्स लिखो। यदि हम लोग यहाँ पे लेगा 1 F1 लेंगे तो हो जाएगा 2, F2 लेंगे तो हो जाएगा 4, F3 लेंगे तो हो जाएगा 6 एंड F4 लेंगे तो हो जाएगा 8। तो F मेरा जो फंक्शन हुआ कितना 1, 2, 2, 4, 3, 6 एंड ये क्या हो गया 4, 8। अब देखिए क्या डिस्टिंक्ट, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 1 में था डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है, ए का डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफ्ट क्या है डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, अलग अलग इमेज बन रहा है, मतलब क्या हुआ 1, 2 हो गया, सॉरी 1, 1 हो गया। अब देखिए इसका रेंज और क्या हो गया, इसमें देख सकते हैं कि वाई का जो इस बी में जितना भी एलिमेंट है उसका यदि हम लोग क्या लें उसका प्री इमेज देखें सभी एलिमेंट का क्या है, तो प्री इमेज मिल रहा है 2 का प्री इमेज 1 है, 4 का है 2 है, 6 का है 3 है, 8 का 4 है, मतलब 1, 2 भी हो गया, 1, 1, 1, 2 हो गया, तो क्या निकालेंगे इन्वर्स निकाल देंगे, मतलब हो जाएगा एफ इन्वर्स एग्जिस्ट, तो देखो डायरेक्ट लिख देंगे एफ इन्वर्स कितना हो जाएगा हुआ 2, 1, 4, 2, 6, 3 एंड हो जाएगा 8, 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये लोग शॉर्ट में बना दिए हैं, हालांकि इसको जब बनाइएगा जैसा हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 उसी प्रकार से इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का जो है 9, वह जो क्वेश्चन नंबर उसका 9, 10 और 11 अभी जो क्वेश्चन बताए थे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और फिर बोले 6, सेम क्वेश्चन दिया गया है 9, 10, 11, 12 और 13, सिमिलर क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है डायरेक्ट, सिमिलर सेम क्वेश्चन को हर एक ही क्वेश्चन को बार बार बताना उचित नहीं है, आप खुद से उसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, यहाँ पे जितना भी फंक्शन देखें वह एक्स में था और 13 में क्या बोलता है एन के टर्म में है, तो वह एफ एन बराबर है एन स्क्वायर, अरे यहाँ पे एक्स यहाँ पर एन दे दे, वाई दे दे, एक्स दे दे, फाई दे दे, साई दे दे, कुछ भी दे दे उसके अनुसार से हम लोग प्रूव कर दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर एफ एक्स अभी हम लोग इतना भी क्वेश्चन देखे थे तो एफ एक्स बराबर था एक्स स्क्वायर में या तो 3x+2 में या तो ई का पावर एक्स में, यहाँ पे एक्स यहाँ पर क्या बोल दिया है एन दे दिया है, तो उसी प्रकार सिमिलर टाइप में आप जो है प्रूव कर लीजिएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 से 9, 10, 11, 12 और 13 जितना क्वेश्चन है सब सिमिलर क्वेश्चन है, समझिए एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके लिखा गया है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप 13 तक आप खुद से सॉल्व करें। अब देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि एफ कोई फंक्शन है 1, 2, 3 से कहाँ है तो ए बी सी में, और यहाँ दिया गया है गिवेन बाय बोल दिया है कि इसमें F1 बराबर है A, F2 बराबर है B एंड F3 बराबर है क्या चीज C, तो हम लोग को बोलता है फाइंड F इनवर्स, क्या बोलता है फाइंड F इनवर्स एंड प्रूव दैट, क्या बोलता है F इनवर्स का इनवर्स बराबर F। पहला हम लोग को क्या शो करना है कि पहला हम लोग को लाना है एफ इन्वर्स, इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, और दूसरा हम लोग को इसी में प्रूव करना है कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा वही एफ होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। गिवन दैट एफ मेरा है 1, 2, 3 से कहाँ है ए बी सी, और गिवेन बाय F1 बराबर ए, F2 बराबर बी एंड F3 बराबर सी, ऐसा लिखा हुआ है। अब हम लोग को F इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे 1, 1, तो 1, 1 के लिए आप देख सकते हैं एक कोई सेट ये है 1, 2, 3, दूसरा इधर है ए बी सी, इधर एक फंक्शन एफ आया है और 1 का इमेज किसका है 1 का है ए, 2 का बी, 3 का सी है, तो देख सकते हैं डिस्टिंक्ट
एलिमेंट ऑफ, इसको सेट ए मान ले, इसको बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, देयरफॉर एफ क्या हो गया इज वन वन, एफ मेरा क्या हो गया वन वन। आप देख सकते हैं कि और यहाँ पर क्या है, रेंज ऑफ एफ बराबर है कोडोमेन ऑफ एफ, तो देयरफॉर हो जाएगा एफ इज ऑन टू, एफ मेरा क्या होगा ऑन टू, और एफ इज वन 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 भी और ऑन टू भी है, तो हो जाएगा है देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव, एफ मेरा कैसा फंक्शन होगा बाइजेक्टिव होगा, मतलब हेंस एफ इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, मतलब लिख सकते हैं एफ इनवर्स सच दैट, तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा यार, ए बी सी से किधर होगा वह वन टू थ्री में, या तो हम लोग लिख दे इसको एफ इनवर्स, ये कहाँ से कहाँ हो गया, तो हो जाएगा यहाँ से ये मेरा यदि फंक्शन लिखेंगे एफ यदि, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, हो जाएगा ए वन ए टू बी थ्री सी था, तो एफ इनवर्स कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए वन बी टू सी थ्री, ये हम लोग को क्या निकल के आ गया है एफ इनवर्स का वैल्यू। अब जब हम लोग को एफ इनवर्स निकल गया है तो दूसरा हम वो क्या करना है उसका, कि एफ इनवर्स का यदि इनवर्स निकालेंगे तो सेम जो है यही वाला फंक्शन एफ आ जाएगा, तो इस फंक्शन का फिर से हमको क्या निकालना है इनवर्स, ये जो इनवर्स हम लोगों ने भी निकाला है इसी का क्या निकालना है इनवर्स निकालना है, तो चलिए सिंस ये है एफ इनवर्स ए बी सी वन टू थ्री, आप देख सकते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव क्या डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब एफ इनवर्स क्या हो जाएगा वन वन, और क्या है देख सकते हैं रेंज और कोडोमेन क्या हो गया बराबर, मतलब बोल सकते हैं एफ इनवर्स इज वन वन एंड ऑन टू, देयरफॉर क्या हो जाएगा एफ इनवर्स का इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं आप पूरा फिर से लिख सकते हैं, ठीक है एफ इनवर्स का इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, तो देयरफॉर एफ इनवर्स का इनवर्स यदि लिखें तो कितना हो जाएगा ए ए वन ए टू बी थ्री सी, आप देखिए यही चीज मेरा क्या है एफ है, ये मेरा क्या है एफ, तो देयरफॉर क्या होगा एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोग को घुमा फिरा के लिखा गया है हम लोग को, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं, कितनों भी घुमा फिरा लिखे हम लोग भी जो है इतना सक्षम हो गए हैं कि क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो है अभी अब ये जो होगा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, क्या बोलता है क्वेश्चन, ये बोलता है 15 नंबर में एफ कोई फंक्शन है जो रियल टू रियल है, और बोल दिया है एफ एक्स बराबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सेवन, तो बोलता है तो फाइंड जी ये कोई फंक्शन जो है कहां से कहां, तो रियल से रियल सच दैट, उस तरह से क्या निकालना है कि हमको ऐसा फंक्शन निकालना है जो क्या होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए फाइंड बोलता है जी रियल टू रियल सच दैट जी वो एफ बराबर एफ वो जी बराबर आई आर, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन किसमें रियल नंबर, ये हम लोग को निकालना है। अब देखिए एक क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया, सिर्फ इस क्वेश्चन को क्या क्या घुमाया गया है, बोलता है एफ कोई फंक्शन है रियल टू रियल एफ एक्स बराबर इतना है, तो हम लोग को जी फंक्शन चाहिए, कोई जी से रिलेटेड एक फंक्शन चाहिए जो रियल से रियल है, एफ मेरा फंक्शन है टेन एक्स प्लस सेवन एफ का फंक्शन है, अगर जी से एक फंक्शन चाहिए जो रियल से रियल है, जो क्या करना चाहिए इस रिलेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सॉल्यूशन करने के लिए आप गिवेन है
गिवन है एफ कोई फंक्शन है जो रियल टू रियल है एंड एफ एक्स बराबर दे दिया है कितना 10x+7 हम लोग को फाइंड करना उतना गिव अल्सो गिवन है जी वो एफ बराबर एफ ऑफ जी बराबर क्या चीज़ आई आर ये हम लोग को दिया गया है। तो इसी के हेल्प से हम लोग को क्या निकालना है जी फंक्शन निकालना है। तो कोई भी एक फंक्शन ले सकते हैं एफ ओ जी मान लेते हैं कि एफ ओ जी बराबर क्या है आई आर तो एफ ओ जी ले लेते हैं एफ एक्स। अब एफ ओ जी बराबर एफ एक्स है तो किसके बराबर होगा एफ ओ जी बराबर एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा वह आई आर मतलब कितना हो जाएगा वह एक्स के बराबर होगा। यहाँ से लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग करेगा रियल नंबर में अब हो जाएगा एफ ए मेरा कितना होगा जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान दीजिए अब सोचना है एफ एक्स बराबर था कितना 10x+7 यहाँ पे लेंगे वाई तो होगा 10y+7 यहाँ होगा 50 तो 10×50 = 7 यहाँ पे कितना है जी एक्स तो होगा 10×GX+7 तो हो जाएगा 10×GX+7 = x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वह 10GX = x-7 तो therefore ये मेरा क्या हो जाएगा GX = x-7/10 ये हम लोग का निकल के आ गया क्या चीज़ GX = x-7/10 यही हम लोग को फाइंड करना था जो फंक्शन कहाँ है रियल से रियल में है। तो यदि अभी हम लोग एफ ओ जी के हेल्प से बनाए हैं आप चाहे तो जी ओ एफ के हेल्प से भी यदि बना सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया। अब इसके साथ ही हम लोग का जो एक्सरसाइज था 2.3 कंप्लीट हो गया और इसके साथ सिर्फ 2.3 नहीं बल्कि जितना फंक्शंस था वो हम लोग का पूरा फंक्शन क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं जितना आपको फंक्शंस में टोटल जो 10 वीडियोस बने हैं वह आपको भली भांति समझ में आ गया होगा और सभी का सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो चुका होगा। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अब लोग मिलेंगे अब नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।